मान लेते हैं तुम्हारे पास ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट इसका जो अंडर रूट है उसको मैं ऐसा बोल देता हूँ, जहाँ एक्स और वाई तुम्हारे रियल नंबर्स हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, स्क्वेयरिंग अगर मैंने की तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आई कैन से दिस। तो अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक, दिस इज़ अ वेरी फेमस क्लास 10th आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, मतलब जैसी ज़रूरत वैसा काम। तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4xy ऐसा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन सेकेंड यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 4xy² होगा ये, ठीक है, ये x²y² होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया b² प्लस a², ठीक। इसका मतलब x² प्लस a² इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² ऐसा लिख सकता हूँ मैं। माइनस साइन इसीलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ तो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक, तो कभी नेगेटिव तो होगी नहीं है, ठीक बात। अच्छा, तो इससे मेरे पास देखो x² प्लस y² हो जाता है, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है ए, ठीक। अच्छा, अभी देखो ऐड अगर कर लेता हूँ मैं, बड़ी आसानी से मेरे पास x² की वैल्यू आ जाती है, और सब्ट्रैक्ट अगर कर लूँगा तो ठीक। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स की वैल्यू प्लस माइनस हाफ इतनी हो जाएगी, और वाई की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अच्छा, कैच क्या है देखो, तो बड़े ध्यान से तुम बी की साइन देखो, बी कहाँ है, बी हो गया ये, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो बी अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्स एंड वाई बोथ आर ऑफ सेम साइंस, ठीक है, अदरवाइज दे आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक। इसका मतलब मैं एक्स और वाई को ऐसा ले सकता हूँ, मतलब ऐसा कर लेते हैं अपन, सेम साइन वाला जो फंडा है उसको मतलब प्लस प्लस में रहेगा या तो माइनस माइनस में रहेगा, ठीक, ऐसा हो जाएगा सीन।
यानी कुछ यूं। ऐसा हो गया सीन। ये तो अलग रहेगा। ठीक, हाफ तो देखो पूरे के साथ ही, इसको पूरे के साथ ही उठा लो, उठा लो ऐसा, तो ये हो जाएगा। या फिर इसमें ऐसा कर लो तुम, प्लस माइनस ऐसा कर लो, मतलब प्लस प्लस साइन रहेगा या तो माइनस माइनस साइन रहेगा, ऐसा कर लेते हैं। ठीक, ये ठीक है। और इसी के विपरीत अगर बी अगर तुम्हारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स और वाई आर ऑफ अपोजिट साइंस। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ ए प्लस आई बी बिकम्स, ठीक। एक्स की वैल्यू में अंडर रूट तुम्हारे पास पूरे के ऊपर है असल में, तो ये असल में मसाला ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ भी थोड़ा समझ लेना, ये ऐसा है पूरा अंडर रूट पूरा ऐसा है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ही आ जाएगा हाफ, ध्यान रखो। मतलब कर लेना वो थोड़ा अलजेब्रा में। ठीक है, अभी ठीक है सब। तो इधर अंडर रूट एक्चुअल में तुम इसमें पूरा कॉमन नहीं निकाल सकते, ये ठीक करो इसको। यहाँ इधर अंडर रूट लगाना है तो पूरे पे आएगा अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट आएगा तो पूरे पे आएगा। ठीक, तो समझ लेना अभी क्या है, वेरिएबल्स के साथ थोड़ा खचखच हो जाती है। ठीक है, वैल्यूज के साथ करके देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। मैं कुछ करूँगा और फिर कुछ तुम्हें होमवर्क में दे दूँगा। ठीक, अच्छा तो काम शुरू करते हैं फिर, है ना। ये तो थ्योरी हो जाती है तुम्हारी, या फिर कहो कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो सारा गेम असल में इसका है, बी का। ठीक, बी देखो सेम साइन की अपोजिट साइन। अच्छा एक बात और, यहाँ प्लस माइनस लगा लो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखो कितने आ रहे हैं तुम्हारे पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। ठीक, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहेंगे, तो अंडर रूट तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करके देगा। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा कुछ सवाल करके देखते हैं। तो सवाल नोट करो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास इलस्ट्रेशन 16। तो जैसे मुझे स्क्वायर रूट निकालना है,
तो जैसे सब पार्ट ए है, सॉल्व कर रहा हूं मैं, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसा मैं लिखते जा रहा हूँ वैसा देखते चलो। स्क्वायरिंग करूँगा अगर मैं, स्टेप्स तो क्लियर है ही वैसे, फिर भी मैं सॉल्व करके भी तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो तुम्हारा पॉजिटिव ही रहेगा, पक्की बात है। अच्छा अब देखो, 2xy की जो साइन है, कहाँ गया, ये नेगेटिव है, इस पर करो फोकस, ये नेगेटिव है, इसका मतलब x एंड y आर ऑफ अपोजिट साइंस। ठीक, अच्छा तो अगर x की वैल्यू मैं 4 उठाता हूँ तो y की वैल्यू तुम उठाओ -3, एक्स की वैल्यू अगर मैं -4 उठाता हूँ तो वाई उठाओगे तुम +3। ठीक, तो ये चीज़ आएगी, या तो इसको ऐसा कर लो +-4 -3 आई, ऐसा कर लो, 4 के साथ -3, और है ना आ गया ये जो सॉल्यूशन है, यही लिखा हुआ है सेम टू सेम। ठीक, दिस इज अंडर रूट ऑफ क्या, अंडर रूट ऑफ 7 -24 i। ठीक, अच्छा तो ये तो फिर अब तो तुम कर ही लोगे यार बाकी के सवाल भी। ठीक है, मैं चलो ठीक है करके दिखा ही देता हूँ। रैंडम कोई भी नंबर्स तुम उठाकर वैसे तो स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो, 5 + 12 आई है जैसे। ठीक है, मैंने रैंडम नहीं उठाए, मेरे पास तो सेट ऑफ इलस्ट्रेशंस है, 5 + 12 आई है, तो इसका अंडर रूट मान लेते हैं x + iy हो गया। क्यों भाई, पॉजिटिव ही क्यों होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम्हारे पास पक्का है कि 0 से तो बड़ा है, तो ये बात है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी है, कितना है 5, तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, इसे जोड़ के आधा कर दो 18, 9। वाई स्क्वायर आ जाता है जोड़ घटा के आधा कर दो 4, तो इससे मेरे पास जो, अच्छा पहली बात तो एक्स वाई की साइन देखो पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक्स एंड वाई आर ऑफ सेम साइन,
तो बीच में क्या बैठेगा, अंडर रूट ऑफ 5 + 12 i इक्वल्स 3 + 2 i, ऐसा ले लो प्लस माइनस, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है बात। अच्छा अगला सवाल देखो, उसमें लिखा है, ठीक है, -15 - 8, तो वही पुरानी कहानी, बार बार लिखता हूँ मैं, पता होना चाहिए चीज़। अच्छा तो x² + y² भी है, अब x² - y² भी है, ऐसा ये आ गया। तो सेम साइन की अपोजिट साइन, तो ये हो गया, देख रहे हो ना, ये चीज़ हो गई x and y आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है तो 1 - 4 i प्लस माइनस, ऐसा -15 - 8 i, दिस विल बी योर आंसर। ठीक बात। अच्छा एक मिनट, ठीक है अब आते हैं थोड़े मजेदार हिस्से की तरफ। ये तो हो गया रेगुलर वर्क, है ना, रेगुलर स्कूल वर्क, ठीक, दिस इज स्कूल वर्क। अब आते हैं अपन गॉड मोड में। चलो सवाल है, ठीक, अच्छा तो इसको देखो तुम क्या कर सकते हो। अंडर रूट ऑफ आई अपने को निकालना है, तो ऐसा लिख लो, ठीक, कुछ बताने का नहीं है सच।
सेम साइन, ये तो एक आ जाता है। अब माइनस आई का जो अंडर रूट तुमको निकालना है वो भी निकाल लो। अबे एक सेकंड, ये तो अंडर रूट होगा ना, ठीक है, देख रहे हो ना किस किस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है ऐसा। कुछ लोग हैं आप जो फॉर्मूला भी रट्टा मार लेते हैं वैसे तो, पर इस टाइप की चिंदीगिरी यार मुझसे तो नहीं होती है। ठीक है, अबे तो सब वैसे ही आ गया बे, है पूरा का पूरा सेम, क्या भजिया ये। अच्छा एक जगह अंतर आएगा, ठीक, यहाँ देखो देख लिया, ठीक है ये हो जाता है ना। तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं किया मैंने, अब दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कैसा आ जाएगा। तो इसमें प्लस माइनस ये तो आएगा ही आएगा, ये भी आ जाएगा, ऐसा दोनों चीज़ें आ जाएगी, ठीक ये भी।
भी है और ये भी है, ध्यान रखो। चार आंसर आ रहे हैं, चार पॉसिबल आंसर्स रहेंगे, ठीक। अच्छा अगला सवाल देखो, ये है इलस्ट्रेशन 18 और बेसिक पार्ट वन का तो ये आखिरी इलस्ट्रेशन है, उसके बाद तुम्हारे पास प्रॉब्लम सेट आ जाएगा। ठीक, यू हैव टू सॉल्व फॉर जेड, ये मज़ेदार मजा आएगी इसमें तुमको। अच्छा तो पहले तो देख लेते हैं भाई बात क्या है। अच्छा क्यूबिक नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो ये है मामला कुछ, रीअरेंज कर लेते हैं। एक्चुअल में जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है ना, उसमें अंडर रूट आएगा, देखो मजा आएगी फिर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज इमेजिनरी ऑब्वियसली, है ना। तो देख लेते हैं, वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला इज वैलिड, माइनस बी थ्री माइनस टू आई का होल स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन हो गया। एक मिनट, नौ में से चार गया, बचा पाँच और माइनस बारह, माइनस बारह आई है ना ऐसा। किसका अंडर रूट निकालना, देखो ऐसा, ठीक है। अब जब तक के तुम इसको नहीं निपटाओगे, है ना, जब तक के तुम इसको नहीं निपटाओगे मामला आगे नहीं जाएगा, ठीक। इसका जो अपन ने फॉर्मूला निकाला था ना, मैं तो बोलता हूँ अगर रट्टा मार लो, क्योंकि बार बार वही काम कितनी बार करोगे, लर्न ही अगर रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब मेरे को भी ऐसा लग रहा है, इतनी बार पचासियों बार क्योंकि कर चुके हैं अपन उसको, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है इसका, इसको रट्टा मारना। इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक निकाल लेता हूँ मैं, इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा रट लेते हैं यार, ये काम बहुत बार आ रहा है ना असल में, क्योंकि उतना बार क्या है, बार बार वही वही सेम स्टेप्स कर करके मैं पक चुका हूँ। तो a प्लस आई बी ये अपने को याद रख लें अगर तो बहुत अच्छा हो, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे कभी पहले याद किया हुआ हो, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इसको याद अगर रख लें, या फिर पता नहीं कॉम्प्लेक्स क्योंकि मेरा बहुत टाइम से छूटा हुआ है, तो ये अगर तुम याद रख लो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको बी अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, है ना, और उधर हाफ देखो पूरे के साथ रहता है ऐसा,
प्लस ए माइनस ए, ठीक है, ऐसा अंडर रूट भी पूरे में ऐसा। अगर सेम साइन के साथ है तो आप प्लस लगा लोगे, ठीक है, प्लस माइनस लगा लो, ठीक, प्लस माइनस पूरे पे ऐसा। अब ये थोड़ा सा याद करना, थोड़ा सा जाएगा तुमको, दम जाएगा, पर रिमेंबर इट, ये याद रखने का। लेट्स से ये हो गया केस वन, इसका केस टू देखो, ऐसा कर लो फॉर्मूला। अब देखो मैं तो दो दिन में भूल जाऊंगा, मुझे पता है पक्का, तुम अगर याद रख सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्लस ए ऐसा हाफ, ये चीज़ याद नहीं रहती है यार, अब कैसा है ना, ये ऐसा अभी लिखने भर को तो मैंने लिख दिया है पर याद नहीं रहता, पता है ये दिक्कत है थोड़ा। ये अंडर रूट और अंडर रूट मार लो, और फिर यहाँ पर माइनस लगा लो और प्लस माइनस लगा लो बाहर, ऐसा मैंने तुम्हारे लिए कर तो दिया है, ठीक है। समझे, अब इसको अगर तुम लर्न अगर कर सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब मतलब मैं क्या बोलूँ, अब ये इस तरह की जैसे चीज़ आ गई है अब अपने सामने, तब क्या फिर से वापस निकालते बैठोगे पूरी स्टेप्स वगैरह करते हुए, स्क्वायर स्क्वायर और ये सब ज़्यादा घिच घिच लगता है वो थोड़ा। इसका और कोई शॉर्टकट, इसका मैं कोई और शॉर्टकट तुमको बताऊंगा, ठीक है, वर्कआउट करके थोड़ा लर्न करने में तुमको आसानी जाएगी जिससे, ठीक। तो यहाँ ये चीज़ हो जाती है अंडर रूट ऑफ माइनस 15 प्लस 8 आई, इसको कैसे निपटोगे, तो बी यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब सेम साइन, तो 225 और 64 यानी 17 प्लस ए, ए कितना है अब माइनस 15, ठीक, हाफ। अब 17 माइनस माइनस 15 हाफ अंडर रूट और सेम साइन है, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। ये हो जाता है अपने पास 1/√2, सॉरी रूट टू हो जाएगा, रूट टू प्लस आई 32/16 ऐसा, क्या बोलते हैं, ठीक है, रूट टू ये 1 रहेगा ना यार, 1 रहेगा, ठीक है, हाँ अभी ठीक है ना, अभी ठीक है, ठीक है, एक बार मैं लिख लिया, देखो इससे देखो वक्त बचा है मेरा, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेने दो, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। तो यहाँ पर बस सब्स्टिट्यूट करो उसको दाएं से, z की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2y, ये आंसर हो जाते हैं मेरे।
ठीक है, 2+i या फिर 1-3i, ये रहेगा। तो ये भी देखा जाए तो आसान की कैटेगरी में ही आएगा ये वाला भी, है ना। कोई ऐसा कुछ बहुत खास भारी भयंकर नहीं है, बस अंदर जो तुम्हारे पास ये चीज़ बन रही है इसका समाधान अब अपने को करना ही आता है। ठीक ठीक है, देन इसके बाद तुम्हारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम सेट आ जाता है। ठीक, अच्छा ओवर करते हैं।